नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी की सभी स्कीम्स के ऊपर, क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, किस प्रकार के दस्तावेज आपको चाहिए होते हैं और किस तरीके से आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे और वीडियो पसंद आएगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सबसे बेहतरीन स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे सबसे बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक आपको मिलेगा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि है 8.6% का। जी हाँ दोस्तों, 8.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपको मिल रहा है। आपको अकाउंट ओपन करना है, सिर्फ और सिर्फ करना है, कुछ नहीं है आपको। अगर आपके घर में कोई भी बेटी है जिसके लिए आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो सिंपली नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ लिंक दे दिया है सुकन्या समृद्धि योजना के फॉर्म का, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट करके फिल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाता है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्कीम की तरफ, जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया की तरह ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहां पे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, जहां पे दोस्तों आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ आपको चाहिए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए। अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के आप सिंपली विजिट कर सकते हैं और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली स्कीम की तरफ, जो की है रिकरिंग डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, आरडी अकाउंट आपने सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे, इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, हिंदी के अंदर इसको कहते हैं आवर्ती जमा योजना। अगर दोस्तों आवर्ती जमा योजना के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा 6.4% से लेकर के 6.8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक आईडी प्रूफ चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, साथ में चाहिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जिसका लिंक मैंने दे दिया वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर के वहां से रिकरिंग डिपॉजिट का फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से नियरेस्ट ब्रांच के अंदर आप रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 4.5% का। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा हाईएस्ट, वो मिलेगा 6.25% का, जो कि सबसे हाईएस्ट है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक साल के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दो साल के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 सालों के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देख लीजिएगा कि आप कितने साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं, कितने साल का रिकरिंग, कितने साल का पोस्ट ऑफिस का एफडी अकाउंट, कितने साल का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एफडी अकाउंट आप खोलना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बार उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और ये है सारी की सारी स्कीम, जहां पे अच्छी तरीके से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और दोस्तों, कल का एक बेहतरीन वीडियो आने वाला है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक अच्छा बैंक मानते हैं, तो जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं, जो कि है सिर्फ और सिर्फ पेंशन धारकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन लेना चाहते हैं, एक ऐसा प्लान मैं आपको बताऊंगा जहां पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना कि सिर्फ आपके बुढ़ापे की पूरी गारंटी लेगा, बल्कि आपको अश्योरेंस भी देगा कि आपको बुढ़ापे में किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। तो दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी हाँ दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका दिल में कोई भी सवाल या सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लेता हूं आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर।